हेलो एवरीबॉडी, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर टाइटल्ड द ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। नाउ वी विल प्रोसीड द स्टोरी फॉर द लेट्स बिगिन। कल हमने मिसिज फेम्फ्री और जेम्स हैरियट की कन्वर्सेशन सुनी थी। इस लेक्चर में हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आई ट्राई टू साउंड शेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने तेज आवाज की कोशिश की, अब मैं वास्तव में इसका अर्थ जानता हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर तुम इसके भोजन को ठीक कम नहीं करती हो और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज अभ्यास व्यायाम नहीं करवाती हो, यह जल्दी ही बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपने दिल को कठोर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मॉडल का प्रयोग हुआ है, मस्ट मॉडल हियर, मस्ट। और कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना होगा। मिसिज फेम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। मिसिज फेम्फ्री ने अपने हाथों को ट्विस्ट किया। रंग जो है ये रिंग की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे रिंग का मीनिंग क्या होता है, टू स्क्वीज और ट्विस्ट। ट्विस्ट करना, मोड़ना, जैसे हम हाथों को ट्विस्ट करते हैं, दोनों हाथों को मिला के ऊपर नीचे, इसी तरह से मिसिज फेम्फ्री ने भी किया। और ये करते हुए मिसिज फेम्फ्री कहने लगी, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट मैं ऐसा कर लूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मुझे विश्वास है तुम सही हो, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सो सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अपने सर को झुकाए मिसिज फेम्फ्री चल दी रोड के साथ साथ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अपने व्यवहार को तुरंत वो एक नई पद्धति में, एक नई रिजीम में, रिजीम क्या होता है, मोड ऑफ रूल, लेस सी रिजीम, हम इसको मार्क करते हैं रिजिम। रिजिम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ रूल्स। आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो, MODE ऑफ रूल, RULE। सो आगे देखते हैं
आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैंने पूरे चिंतन के साथ, चिंता बढ़ाते हुए उनकी प्रोग्रेस को देखा. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीट कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज. ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीट कोट में, यहाँ पे देखिए ट्वीट, ट्वीट मीन्स ए कॉर्स वूलन फैब्रिक यूज्ड फॉर क्लॉथिंग, यूज्ड फॉर क्लॉथिंग, कपड़े का बना हुआ एक रूखा सा कड़ा कर्कस ऊन का बना हुआ कोट. अपने उस कोट में ट्रिकी टोटरिंग कर रहा था. टोटरिंग मीन्स अनस्टडी, रिकेटी, सीधा सीधा नहीं चल रहा था, डगमगा के चल रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. वार्डरोब मीन्स ए रूम फॉर कीपिंग क्लॉथ. ड्रेसिंग रूम वगैरह होता है ना, उसको हम वार्डरोब बोलते हैं. तो इन कोट्स को सभी को एक ड्रेसिंग रूम में उसने रखा हुआ था फॉर द कोल्ड वेदर एंड और रेन कोट फॉर द वेट डेज. नमी वाले दिनों में, बरसात के दिनों में एक रेनकोट, और सर्दी के मौसम के लिए, सर्द ऋतु के लिए इन कोट्स को सभी को उसने एक ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ था. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज फैम्प्री. वो स्ट्रगल करता चला गया अपने गले में हार्नेस. हार्नेस मीन्स जो पट्टा बंधा होता है उसके लिए हार्नेस यूज किया है, लगाम वगैरह जैसे घोड़े के गले में होती है, डॉगी वगैरह के गले के राउंड जो लगी होती है. अपनी हार्नेस में उसे ड्रूप करते, ड्रूप मीन्स बेंडिंग, उसको झुकाते हुए उसने स्ट्रगल किया था. आई थॉट, मैं सोचता था, मैंने सोचा था, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पैम्प्री. मिसिज पैम्प्री से जो मैंने सुना था, इससे पहले ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा. यहाँ पे भी विल का पास्ट वुड यूज हुआ है निगेटिव सेंस में, वुड नॉट. यहाँ हम मार्क करके देखते हैं, वुड नॉट. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. कुछ एक दिनों में जिस कॉल की उम्मीद थी वो कॉल आ गई थी. मिसिज पैम्प्री वॉज डिस्ट्रॉट. मिसिज पैम्प्री डिस्ट्रॉट थी. डिस्ट्रॉट मीन्स डीपली हर्ट. यहाँ हम राइट करते हैं डिस्ट्रॉट का मीनिंग, डिस्ट्रॉट, डीप, डीपली हर्ट. ओके, ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ ज़्यादा नहीं खाया करता था. यहाँ भी मॉडल का प्रयोग हुआ है, विल का पास्ट वुड.
refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. उसे वॉमिटिंग की बाउस होती थी. बाउस मीन्स ए पीरियड ऑफ समथिंग यूजली पेनफुल और अनप्लेजेंट. जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आना. तो जो वॉमिटिंग की बाउस उसे होती थी, अपनी सभी पसंदीदा डिशेज को इनकार भी किया. इसके अलावा उसे वॉमिटिंग की बाउस होने लगी थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. पेंटिंग मीन्स हाफना. अपना सारा समय, सारा दिन वो एक रग पे. यहाँ पे रग का मीनिंग क्या है? टू पुल रफली. हाँपते हुए सिर्फ एक रग पे वो बिताया करता था. ही मीन्स ट्रिकिंग. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. क्या वो पैदल नहीं चला करता था? क्या वो किसी और चीज़ को नहीं करना चाहता था? ऐसी स्थिति उस ट्रिकी की होने लगी थी. ना तो वो पैदल चलना चाहता था, और ना ही कोई काम करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. पहले से ही मैंने अपनी योजनाओं को बना डाला था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एकमात्र जो रास्ता बचा था वो ट्रिकी को एक अंतराल के लिए, एक पीरियड के लिए घर से बाहर रखना था. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फॉर नाइट टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने ये सुझाव दिया था कि उसे 15 दिन के लिए, फॉर नाइट मीन्स ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए एक निरीक्षण में रखा जाना है. ये सुझाव मैंने दिया था. सो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड. वो बेचारी महिला, बेचारी औरत अधिकतर बेहोश होने वाली थी. स्वूंड मीन्स फेंटेड. वी विल राइट हियर स्वूंड का मीनिंग. Fainted, FOINTED, fainted. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उसे इस बात का दृढ़ निश्चय था कि वो उदास हो जाएगा. पाइन मीन्स टू मॉर्न. उसे दुख होने लगेगा, वो मर जाएगा, दुखी होगा, अगर इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अगर वो हर रोज़ प्रतिदिन उसे नहीं देखेगा तो या तो दुखी होगा और मर जाएगा, या मर जाएगा. ही वुड पाइन मीन्स ही वुड मॉर्न. MOURN. यहाँ पे हम पाइन का मीनिंग जानेंगे. पाइन
मीन्स मौन, एम ओ यू आर एन मौन। नेक्स्ट देखते हैं, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक पक्की लाइन खींच डाली थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाई मिसिज फैम्प्रिज वेलिंग्स। यहाँ देखिए, ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एकमात्र रास्ता था उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना कोई देरी किए मैंने उसे वहाँ से ले जाने का बेहतर सोचा, बेहतर विचार किया। एंड फॉलोड बाय मिसिज फैम्प्रिज वेलिंग, और मिसिज फैम्प्री की जो विलाप है, उसका रोना है, वो उसके पीछे उसे रोना ही था। बिना कोई देरी किए मैंने उसे वहाँ से ले जाने के लिए बेहतर समझा। यहाँ वेलिंग, वेलिंग का मीनिंग हम देखते हैं, वेलिंग मीन्स वीपिंग, वेलिंग वीपिंग, वीप करना। ing wwping। I marched to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। मैं उस छोटे से डॉग को कंबल में लपेट के, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, रैप्ड लपेटना, एक कंबल में उस लिटिल डॉग को लपेटते हुए अपनी कार की ओर चल दिया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंज, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। पूरा का पूरा स्टाफ दौड़ने लगा और नौकरानियाँ ट्रिकी का दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर, उसकी पसंदीदा कुशंज, उसके खिलौने, रबड़ के छल्ले, रिंग्स, ब्रेकफास्ट, उसके सुबह के नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, दोपहर के खाने का बर्तन कटोरा, सपा रात्रि भोजन, रात के खाने का कटोरा, ये सब लाने के लिए कभी अंदर कभी बाहर दौड़ने लगे। रश रश मींस दौड़ना। रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉप, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, ये महसूस करते हुए कि मेरी कार इन सभी स्टॉप्स को होल्ड नहीं कर पाएगी, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिज फैम्प्री विद अ डिस्पेरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो। तो देखिए, जैसे ही मैं वहाँ से चल दिया, मिसिज फैम्प्री ने निराशा भरी चीख लगा दी और छोटे उसके जो मुट्ठी भर कॉर्ड्स थे विंडो के माध्यम से, विंडो से फेंक दिए, फेंकने लगी मिसिज फैम्प्री। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, Everybody was in tears। तो देखिए, इससे पहले मैं उसे देखता, इससे पहले कि मैं नुक्कड़ से
मुड़ता, नुक्कड़ से मैंने टर्न किया, मैंने अपनी गाड़ी के मिरर से देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। आई लुक्ड, लुक मीन्स, यहाँ पे देखिए हम लुक्ड का प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। कई बार हमारी ये अजम्पशन होती है LOOKED लुक्ड होता है, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो डी साउंड है ED, ये टर्म में बदल जाती है। यहाँ पे इसका रियल प्रोनाउंसिएशन लुक्ड होगा, LOOKED, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, लुक्ड। सो नेक्स्ट देखिए, आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। रोड से बाहर आते हुए मैंने उस छोटे से जानवर की जो हाँप रहा था और मेरे साथ सीट पे बैठा हुआ था, उस निराशाजनक, उस पैथेटिक, उस उदास जानवर को मैंने देखा। ग्लैंस डाउन, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ग्लैंस मीन देखना। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने ट्रिकी के सर पे हाथ फिराया और ट्रिकी ने एक बड़ी बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाते हुए, पूंछ हिलाता है ना डॉगी जैसे, अपनी टेल को हिलाते हुए एक ब्रेव प्रयास किया, एक बोल्ड प्रयास किया, बड़ी बहादुरी से उसने प्रयास किया। आई पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैं कहने लगा बेचारा लड़का। लैड, लैड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बॉय। यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुमने मुझे किक तो दी ही नहीं।